बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता अजय देवगन ने मेरे रस के कमर गाने पर हाल ही में एक बयान दिया है। इससे पहले कि हम आपको उनके इस बयान के बारे में बताएं, आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले ये गाना नसरत फतेह अली साहब ने गाया था, जिसे भारी तादाद में दर्शकों ने पसंद किया था। वहीं उसके बाद अरिजीत सिंह ने इस गाने को गाया था, लेकिन बाद में पवन सिंह ने इस गाने को भोजपुरी में गाया था, जिसे भोजपुरी दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि अजय देवगन ने इस गाने को लेकर क्या बयान दिया। दरअसल बीते दिनों पहले अजय देवगन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इस गाने का जिक्र करते हुए कहा कि ये गाना जितने भी गायकों ने गाया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी फिल्म बादशाहों में भी ये गाना आ रहा है। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि जब दर्शक इस गाने को सुनेंगे तो उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। खैर, दर्शकों को ये गाना कितना पसंद आएगा इस बात का पता तो तभी चल पाएगा जब दर्शक इसे सुनेंगे। वैसे ये बात वाकई में काफ़ी चौंकाने वाली है कि एक ही गाने को अलग अलग सिंगरों ने कई तरह से गाया है, जिसे दर्शकों ने पसंद किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।